एक छोटा सा एमसीक्यू आता है यहाँ पर, एक नंबर का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे ट्राई करें पहले खुद, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कर लिए बेटा? देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी अ सर्कल विद द रेडियस आर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। बट हेयर इट इज द थीटा इज वॉट द पी पी श्योर द एंगल इज वॉट 360 पाई की वैल्यू सिमिलर एज इट इज एंड रेडियस आर स्क्वायर। बट एज वी सीन वेरी क्लियरली ये ऑप्शन कहीं यहाँ पर दिखा ही नहीं देता है। यहाँ पर 2 पाई आर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर। देखो हम जानते हैं किसी भी नंबर में अगर ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी कि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करा और 2 की मल्टीप्लाई नीचे भी करा तो कोई फर्क पड़ जाएगा? कट के तो बेटा वही आने वाला है। तो हम करेंगे पी अपॉन में 2 × 360 कितना होगा 720 और 2 की मल्टीप्लाई इधर की साइड कर दे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ना देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, इसमें से डी ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट इट द आंसर और नॉट?